नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड। तो आज हम आपके लिए लाए हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो हम आ गए हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हम जाएंगे क्रोम में, और क्रोम या आप गूगल पे भी जा सकते हैं। क्रोम या गूगल में जाके हम यहाँ पे सर्च करेंगे सरकारी रिजल्ट.com। जैसे हम सरकारी रिजल्ट.com खोलेंगे, हमारी साइट खुल जाएगी एक नए इंटरफेस के साथ। इसके बाद अब आप देख सकते हैं इस पर जितनी भी गवर्नमेंट जॉब आती हैं सारी की सारी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जॉब, UPTT रिजल्ट आया हुआ है, कोस्ट गार्ड में है, नेवी में है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे लेटेस्ट जॉब आएंगी, यहाँ पे एडमिट कार्ड, यहाँ पे रिजल्ट। तो हम नीचे जाएंगे एडमिशन में, तो यहाँ पे एडमिशन BEd 2020 ऑनलाइन, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे एक नया इंटरफेस खुलेगा पूरी जानकारी के साथ कि ये कब निकली थे। ये फॉर्म निकले थे 12 फरवरी को, ये अप्लाई कर सकते हैं 6 मार्च तक 2020 तक, और इसकी लास्ट डेट है 11 मार्च तक। इसका एग्ज़ाम है 8 अप्रैल को, रिजल्ट आएगा 10 से 15 मई और काउंसलिंग होगी जून में। जनरल और OBC के लिए 1500 रुपये फीस है, ST के लिए 750 रुपये फीस है। लेट पेमेंट के साथ जनरल की और OBC की 2000 फीस है और ST की 1000 फीस है। एलिजिबिलिटी, बैचलर और मास्टर डिग्री अगर आपके पास है, बैचलर या मास्टर इन दोनों में से कोई एक डिग्री, यानी BA है, MA है या BSc है या MSc है, तो 50% अगर आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री है तो उसमें 55% होनी चाहिए। एज लिमिट है 15 साल से कम का बच्चा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सारी यूनिवर्सिटी दी हुई हैं जिन यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम लखनऊ यूनिवर्सिटी कराएगी। यहाँ पे इसकी हार्ड कॉपी दी गई है, क्या क्या होना चाहिए, फिंगरप्रिंट का अंगूठा होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें दी गई हैं यहाँ पे। आप यहाँ पर से डाउनलोड कर सकते हैं नोटिफिकेशन ज़रूर डाउनलोड करें, पूरा पढ़ें, उसके बाद अप्लाई करें। अप्लाई के लिए यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमें ये ऑफिशियल साइट जो लखनऊ यूनिवर्सिटी की है उस पर पहुँचा देगा। अब यहाँ से हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके बाद हमारे मोबाइल और ईमेल पर एक मैसेज आएगा, उसमें हमारा साइन इन के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड होगा। तो रजिस्ट्रेशन पे हम क्लिक करेंगे तो एक नया इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें यूज़र नेम अभ्यर्थी का नाम मांगेगा। पहले तो यहाँ पे सारी जानकारी, मेल वगैरह वेरीफाई होनी चाहिए, नंबर, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। एक बार फिर से पढ़ लें क्योंकि फॉर्म में कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। यहाँ अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, दोनों तरफ इधर और यहाँ पर दोनों तरफ इधर पहले डालेंगे, फिर यहाँ पे कंफर्म करेंगे, ठीक है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और यहाँ पे जब ओके करेंगे तो एक OTP जाएगी आपके मोबाइल पे, उसमें आपका यूज़र नेम और पासवर्ड होगा। जो यूज़र नेम और पासवर्ड होगा वो यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करके नीचे आएंगे, इसमें भर देंगे यूज़र नेम आईडी, और यहाँ पर से अपनी सारी जानकारी, फ़ोटो, अपने हाई स्कूल इंटर के मार्कशीट के नंबर, फिंगरप्रिंट्स के अंगूठे के स्कैनिंग के निशान, सारी चीज़ें भर के और फिल कर देंगे और पेमेंट कर देंगे। इस तरह से आप UPBEd ज्वाइन इंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 का फॉर्म भर सकते हैं। केवल जानकारी पर्पस के लिए था। तो अगला वीडियो जो बनाएंगे उसमें हम बताएंगे कि आप किस तरह से UPBEd का फॉर्म भर सकते हैं ऑनलाइन, बिल्कुल लाइव। तो इस तरह से आपको पता चल गया है कि UPBEd के फॉर्म आए हैं, कब तक अप्लाई कर सकते हैं, कितनी फीस है और क्या क्या एलिजिबिलिटी है। तो इसी तरह आप वीडियो देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, हमें फॉलो कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।